सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आंशिक ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय प्रांगण में हम लोग पुनः उपस्थित होकर पठन पाठन का कार्य नियमित करने के लिए तत्पर हैं। आज सबसे पहले अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत शीर्षक चलना हमारा काम है को नियमित करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि बोर्ड में कभी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अंतर्गत मौलिक रूप से दो प्रश्न होते हैं। पहला कवि का जीवनी और दूसरा उनका साहित्यिक परिचय। सबसे पहले हम चलना हमारा काम है शीर्षक के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन के संदर्भ में जानकारी देंगे। शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम झगरपुर है। 14 अगस्त सन 1915 ईस्वी में इनका यहां जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला से ही इन्होंने प्राप्त किया। उसी समय से इनमें इनके मन में काव्य के प्रति गहरी रुचि देखने को मिल रही थी। विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने काव्य के प्रति साधना का जो स्वरूप था उच्च स्तर पर रह कर करके काव्य किया करते थे। इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया जो कॉलेज है उसे बीए तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। ये हाई स्कूल के अध्यापक के पद से लेकर हिंदी के अध्यापक और महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति पद पर कार्य किए। इन्होंने कुछ समय तक हमारा नेपाल का जो भारतीय दूतावास है उसमें सांस्कृतिक सचिव के पद पर रहकर राष्ट्र की सेवा की। आजकल ये स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र साहित्य सेवा के कार्य में संलग्न है। यद्यपि एक प्रगतिवादी काव्यधारा से जुड़े रहे तथापि दूसरी ओर इनकी कविताओं का विषय प्रेम और श्रृंगार भी रहा है। अपनी प्रगतिवादी कविताओं में इन्होंने साधारण शोषित मानव की पीड़ा कुंठा व निराशा को रखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ समाज में जो विषमता है, आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक विषमता, सामाजिक विषमता, धार्मिक विषमता, उसमें जो लोगों के प्रति दिखते आ रही है उसका भी इन्होंने सजीव चित्रण कर कर करके उनके संघर्ष को चित्रित करने का प्रयास किया है। इन्होंने उनके व्यथा और पीड़ा को, उनकी वेदना को समझा है और अपने काव्यों के द्वारा लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है जिससे मानवता का शोषण रुक सके और मानव का कल्याण हो सके। यह इनके जीवन का संपूर्ण स्वरूप था जिसमें इन्होंने इस प्रकार की रुचि रख कर करके लोगों को प्रेरित करने का प्रयास भी किया है। अब हम कवि का साहित्यिक परिचय की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे। सुमन जी एक सशक्त और श्रेष्ठ काव्यकार हैं, काव्य लिखने वाले कवि हैं। इनके काव्य संग्रह में सबसे पहले हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरी,
बिंद हिमालय मिट्टी की बारात एवं विश्वास बढ़ता ही गया आदि के आदि को बड़ी सजगता के साथ लेखन कार्य किया। नाटक के अंतर्गत प्रकृति पुरुष कालिदास और इनकी जो आलोचना है महादेवी की काव्य साधना इनके ऊपर लेखन कार्य किया। साथ ही साथ सुमन जी को विश्वास बढ़ता ही गया काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, पर आंखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं, इनके जो काव्यगत जो शैली है उसके संदर्भ की भी चर्चा हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के परीक्षा के अंतर्गत इनके जो काव्य की जो शैली है उसके संदर्भ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी के सशक्त गीतकार काव्यकार श्री सुमन जी का जो उद्बोधन है व्यंगात्मक है, लेकिन काव्य में चित्तात्मकता और प्रतीकात्मकता का भी दर्शन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने छोटी लंबी तथा मुक्त छंद सभी प्रकार की कविताओं में प्रयोग कर करके कविता की जो सौंदर्य है उसकी जो रूपरेखा है उसको और बृहद बनाने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में लोकगीत के शैली के साथ साथ तत्सम शब्दों तथा अंग्रेजी उर्दू शब्दों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया गया है। इस प्रकार सुमन जी की जो रचनाएं हैं कठिन होते हुए भी सरल सहज और आत्मबोधात्मक बनकर करके बड़ी ही प्रभावोत्पादक बन जाता है। इस कारण हिंदी साहित्य में इनका जो योगदान है मूल्यवान बन जाता है। कहने का अभिप्राय स्पष्ट है कि इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वे पाठकों के लिए सहज हैं, सरल हैं, सरस हैं और लोगों को संवेदनात्मक ढंग से आपस में जोड़ने का कार्य भी बड़ी प्रमुखता और उदारता के साथ करते हैं। धन्यवाद।